हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें दी बॉडी बिल्डिंग क्लब, क्योंकि आपको यहां पर बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इनका नाम है भुवन चौहान और आपको बता दें कि ये कम्पीट करेंगे इस बार मुंबई प्रोसो में। और आप इनकी करंट बैक कंडीशन देख सकते हैं, इनकी मिडिल बैक कितनी अच्छी लग रही है और इनके लेट्स कितनी अच्छी तरीके से निकलकर बाहर आ रहे हैं। ट्रैप्स का साइज भी बहुत ही बड़ा लग रहा है। और बात करेंगे फ्रंट वाले हिस्से की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी बॉडी फ्रंट से कितनी अच्छी लग रही है। शोल्डर एंड चेस्ट कितने राउंडेड लग रहे हैं, एब्स भी काफी अच्छी तरीके से विजिबल हो रहे हैं। तो आपको भुवन चौहान की बॉडी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आपको क्या लगता है कि इस बार मुंबई प्रोसो के विनर बन सकते हैं भुवन चौहान? भुवन चौहान ने अपने इंस्टा पर एक Q&A रखा था जिसमें पूछा गया, डू यू थिंक यू विन इंडिया प्रोसो? तो उनका जवाब था यस। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना। तो गाइज, इनका नाम है जीजो जोन और आपको बता दें कि ये कंप्लीट करेंगे इस बार के साउथ कोरिया मेचर ओलंपिया में। और आप इनकी करंट कंडीशन देख सकते हैं, इस समय इनकी बॉडी पूरी रिप्ड एवं स्ट्रेटेड लग रही है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं इनकी बैक कितनी मस्कुलर लग रही है एवं बैक की हर मसल एक एक करके विजिबल हो रही है। और इनकी बैक में क्रिसमस ट्री भी अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। तो गाइज, इनके शो को सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे हैं और आप इनका डेथ पेस देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जीजो जोन इस बार प्रो कार्ड जीत सकते हैं साउथ कोरिया में? तो गाइज, इनका नाम है जुनैद कालीवाला और आपको बता दें कि ये कंप्लीट कर सकते हैं मुंबई प्रोसो में। और आप ये पिक देख रहे हैं, ये इनकी करंट बॉडी अपडेट है। यह जुनैद कालीवाला का अब तक का वन ऑफ द बेस्ट वर्जन है इनकी बॉडी का। आप देख सकते हैं इनकी बॉडी कितनी यूज्ड एवं मैसिव लग रही है। शोल्डर में फाइबर नजर आ रहा है और मिड सेक्शन भी काफी अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के मुंबई प्रोसो में जुनैद कालीवाला अपनी कौन सी प्लेसिंग सिक्योर कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। दोस्तों, फोर आर्म्स और काफ मोस्टली आप इग्नोर करते हैं, बिगिनर्स को बोल रहा हूँ। तो ये 4 सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आप अपने रूटीन में अगर इसको ऐड करेंगे, वीकली 2 ट्रेनिंग करनी है अपने बाइसेप के साथ और 8 वीक इसको कंटिन्यू, इन्हीं 4 एक्सरसाइज को इसी पैटर्न में आप करें, फोर आर्म्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आज से ही शुरू कर दें। थैंक यू।